Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Parvez Sahab, इस सवाल का जवाब दे दो. आज तक किसी भी तुर्रुम खान मुसलमान ने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया है अभी तक कि अल्लाह को क्या जरूरत थी. परवेज आलम जी जी जनाब, मोमिन है प्यारे भाई? जी 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 जी, मैं तो मोमिन हूँ भाई. मोमिन है. नमाजें पढ़ते हैं सर? जी हाँ, पढ़ते हैं सर. आयतुल कुर्सी आती है आपको? आयतुल कुर्सी हाँ आती है, लेकिन आयतुल प्यारे कुर्सी भाई से ही साबित होगा कि नहीं. आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा तब साबित. दरूदे शरीफ सुना दे. दरूदे शरीफ सुना दे. वो तो ठीक है, मैं सब कुछ सुनाऊंगा और कुरान मजीद पढ़ के भी. आनंद साहब, इनके जरा इस पे भी गौर करना, इनके लोगों पे भी जरा गौर करना. भाई का लोगो बेहाई है, दिख रहा है ये बेहाई बंदा है. बेहाई है ये मुसलमान नहीं, बेहाई है. ये तो कह रहे बेहाई नहीं हो, बिल्कुल बेहाई है. बेहाई वही कुछ नहीं हूं मैं सर. ये चक्रा जो है ये बहाइयों का है. आप मुसलमान नहीं, आप बहाई हैं. वो लगा दिया है सर्वधर्म के लिहाज से बस, और कुछ नहीं. सर्वधर्म ये कौन सी नई चीज आ गई? भले नहीं, भले ही मैं देखिए मोमिन तो हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, सभी धर्मों को स्टडी करता हूँ. उसमें बात करेंगे परवेज साहब, उस पे हम बात करेंगे. पहले आप कुछ सुनाइए हमें, फिर आपके आइडियोलॉजी पे हम बात करेंगे. जी, टॉप में आपने यहूदियों का, टॉप में आपने, ये यहूदी भी नहीं है, कौन सा टॉप वाला इनका वो है, डिफरेंट. इस्लाम को आपने ओम के नीचे रखा हुआ है, दैट इज गुड. ठीक हो गया एटलीस्ट. और टॉप के लेफ्ट साइड पे ज़ोरास्ट्रियन वाले भी हैं, ये चाइनीज वाले भी हैं, आपने उनको भी रखा हुआ है, यहूदियों को भी रखा हुआ है, उनकी भी छह शमाएं भी रखी हुई हैं. सर बेहतरीन, चलो एटलीस्ट आपने सारों रखा. सर ये हैं तो बिहाई, लेकिन चलो इनसे आयतुल कुर्सी सुन ले, जरा पता लगेगा. और आयतुल कुर्सी नहीं सुनाना है तो दरूद शरीफ सुना दे परवेज भाई, जल्दी से, टाइम नहीं है भाई ज्यादा. मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद. अच्छा चलिए, मैं एक आपको चैलेंज देता हूं जो आपने बात कही. नहीं नहीं ठीक है, मैं एक आपको चैलेंज देता हूं. कुरान से एक आयत पेश कर दे जो ये कहती हो कि दुनिया में जितनी आइडियोलॉजी है सबकी रिस्पेक्ट करो. एक लाख रुपया अभी लेके जाओ. देखिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है. सर मेरा पहले चैलेंज दोहराए. नहीं नहीं वो ठीक है, ठीक है. आपने जो बोला मैं समझ रहा हूँ कि आप जो बोलना चाहते हैं. क्या चैलेंज है, पहले बोलिए. इस्लाम जो है ना सभी धर्म सभी मजहबों का दुश्मन है, ये साबित करना चाहते हैं. लेकिन मैं तो नहीं, नहीं, नहीं मेरा चैलेंज सर रिपीट करे ना, क्वेश्चन तो रिपीट करे. कोई भी एक आयत ऐसी पेश कर दें जिसमें जो है ना ये बताया गया हो कि सारे धर्मों का वो क्या दोहराएंगे आप? रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो जी. सारी आइडियोलॉजी की आप इज्जत करो. एक आयत पेश कर दे, एक लाख रुपया लेके जाए. भी एडम साहब देख रहे हैं मैं कितना सखी होते जा रहा हूँ. 10 लाख, फिर उस दिन 5 लाख, फिर अभी 1 लाख. सर आप तो कमाल हो गए हैं यार. आप मैं क्या करूं यार, लाखों में खेलते हैं आप, लाखों में खेलते हैं आप. साहिल भाई पैसे की तो छोड़िए भाई, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ये साबित होता है कि भाई सभी धर्मों के जो है ना आपको सभी लोगों की सभी पूरे आलमीन की इज्जत करनी. यार ये साहिल ये मौलवियों को, इन मौलवियों के इस डायलॉग को मैंने न्यूज चैनल पे भी मारा है. इस डायलॉग की बजाई थी मैंने. ये वो डायलॉग फिर लेके आ जाते हैं यार. हालांकि डायलॉग तो न्यूज चैनल में, वो मौलवी कब उठ के गया था, इसी बात पे उठ के गया था ना, याद है ना? जब वो मौलवी भागा था, एग्जैक्टली इसी चीज का आंसर दिया था, तो उठ के भागा था. एग्जैक्टली इसी चीज का आंसर दिया था. आपको याद है जब आप और मैं मिलकर मौलवी से बात कर रहे थे, तो वो एग्जैक्टली इसी चीज के जवाब में वो भागा था. याद आया साहिल भाई? नहीं याद आया तो मैं ढूंढता हूँ अपने चैनल पे. नहीं नहीं याद है, और वो लगाता है कि इसकी शॉर्ट लगाई थी. हाँ लगाओ लगाओ, उसकी शॉर्ट भी बनाई थी. तो कितनी स्टूपिड बात है, ये सारे के सारे ऐसे भी आते हैं. इस आयत के बाद कुरान खत्म हो गया था, ये सूरत भी पूरी नहीं पढ़नी. कुरान खत्म कर देना, कुरान खत्म कर देना ना, सूरत भी पूरी नहीं पढ़नी.
क्यों मेरे भाई, ये सूरत पूरी पढ़े बगैर इस्लाम खत्म? इसी सूरत की पहली आयत में इस्लाम है, उसके बाद नहीं है? नहीं, उसके बाद भी है। नमाज में पूरी सूरत पढ़ते हैं ना, पूरी पढ़े ना? हाँ पूरी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। ये मग़ज़ूब और द्वालीन किसको कहा अल्लाह ने? देखिए मग़ज़ूब और द्वालीन उनको देखिए दुखिए नहीं, ये ले जरा सुने आपके मौलवी कैसे भागे थे हमारे ना, आप बीच में ये सुन लेते हैं अक्सर भाई। कुराने मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है, सातवीं सूरत को सूरह नंबर एक कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक सातवीं है। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। उन लोगों की राह जिस पे तेरा इनाम हुआ है उनका नहीं जिन पे तूने अज़ाब नाज़िल किया है। कौन सी तफ़सील खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अज़ाब वाले लोग कौन है? अज़ाब वाले लोग वो है जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी है, वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अज़ाब है अल्लाह का, ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुज़िलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अली इमरान की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। बरहम साहब आप तो शायद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जी। अरे गलती 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 भाग गए, लेकिन आप भाग गए गलती। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का, ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुज़िलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अली इमरान की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। बरहम साहब आप तो शायद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मसला ही खत्म, इतना खत्म, मसला ही खत्म, मसला ही खत्म भाई। जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, अब ये नहीं है कि किन के ऊपर गजब नाजिल होगा। गजब कौन सा गजब, अभी सुना नहीं आपने? ये नहीं कि गैर आपने गैर गैर मजहबी जो नहीं नहीं भाई। हाँ तो गैर मजहबी गजब राह पे ही है ना, और किसी सही राह पे है गैर मजहबी? कोई भी चीज देखिए, अगर आप एक इंसान ओके, मैं आपके हजरत ईसा की परस्तिश करता हूँ, उसको खुदा मानता हूँ, क्या मेरे ऊपर अजाब है? नहीं बिल्कुल नहीं है, मेरे ऊपर अजाब नहीं है, बिल्कुल अजाब नहीं है, अजाब नहीं है बिल्कुल। साहिल मैं इस डंगर से क्या बात करूंगा, एक बेगैरती की इंतहा है इसकी, कि अल्लाह कुरान में कहता है शिर्क करने वाला जुल्मुल अजीम है, शिर्क जुल्मुल अजीम है, और सुल इस्लामुल अजीम है यानी गुनाह अजीम है, और मेरी सजा कोई नहीं है हजरत ईसा की परस्तिश करने। सुनिए तो ना, सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उस पे कायम रहेंगे इसकी बात नहीं है, देखो ईमान की बात है। मैं कायम हूँ, मरते दम तक कायम हूँ, मेरी गर्दन पे तलवार रख दो तो भी कायम हूँ, मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख दो तो भी कायम हूँ, कायम हूँ। आपका ईमान सजा है कि नहीं है? आपका ईमान आपके साथ है, आपको जो है ना, तो अल्लाह अल्लाह झूठ बोल रहा है इस आयत में? तो अल्लाह जिसको हदायत से नवाजता है इसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, जिसको गुमराह करना चाहता है इसके सीने को बिल्कुल तंग कर देता है, क्या करूं इसका? और ये जो आयत आपके सामने पड़ी हुई इसका क्या करूं? यकीनन दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है, और अहले किताब इख्तलाफ नहीं किया था इसके बाद, इनके बाद इल्म आ चुका था, मगर बहम सदाम जिद के बावजूद जो कि अल्लाह की आयतों का इनकार करता है, याद रखे अल्लाह बहुत हिसाब चुकाने वाला है, क्या करूं इन आयतों का? अचार डालूं, मुरब्बे में डाल दूं, खीर बना के खा लूं? तो इसमें क्या गलत कहा गया? आप चलिए इसी आयत पे जो हम बात करते हैं, आप बताइए क्या? तो फिर क्या मुझे मुझे अजाब है कि नहीं है? अल्लाह बहुत जल्द अजाब देने वाला है कि नहीं है? मैं ईसा की परस्तिश करता हूँ। हिसाब भाई मेरे, हिसाब लेने का मतलब ये तो नहीं कि आपके ऊपर गजब नाजिल हो जाएगा, अजाब नाजिल हो जाएगा। गजब की आयत से तो आप भागे हो अभी, अलम शरीफ की आयत में गजब ही तो था, और क्या है? इस आयत में बता रहा है हिसाब लेगा, तो हिसाब लेके क्या करेगा? चुम्मी करेगा, अजाब नहीं देगा? अजाब देने का मतलब यह है भाई कि आप जो है ना अपने रास्ते से जब फिर गए, ये थोड़ी ना कि आपके ऊपर भैया तलवार लेके मुसलमान जो है ना मार देगा, काट देगा। ये हाँ, मुसलमान तलवार लेके मारे, उन्होंने पूरा इजिप्ट को खत्म किया, 20 मिलियन इजिप्शियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का कत्लेआम किया, क्यों झूठ बोलते हो आप लोग?
आप उन लोगों यार, एक सेकंड यार, यार साहिल मैं जा रहा हूँ यार, फिलहाल मैं इस बंदे से मेरा नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है इस किस्म के कुत्ते से बात करने का। साहिल आ जाओ यार, आप आ जाओ, आई कांट टॉक दिस। अरे भाई आप लोग जो है ना बात तो किया करें, आप वैसे भी शायद थक गए होंगे, ढाई घंटे हो गए बात करते करते। नहीं नहीं हम नहीं थकते भाई, आप लोग जो डंगरपना करते हो ना, मसला यहाँ पे आ जाता है। नहीं भाई देखिए, डंगरपना कोई नहीं करता भाई, देखिए बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं गलत हूँ तो मुझे आप समझाइए, मैं तो इस पे तैयार हूँ ना, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाई आप लोग उछल उछल के बातें करने लग जाते हैं एकदम से, जो है ना जो जिस मौजू पे बात करें उस मौजू को हटा के कुछ दूसरी बातें करने लगेंगे। अभी बहुत देर से सुन रहा था, बहुत सारी चीज कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जिनको जो है ना ले के जो है ना उस आयत की तफसील करनी पड़ती है, उस आयत को समझना पड़ता है। सिर्फ आप लफज को लेकर पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा ये बताइए भाई के आइडियोलॉजी के बेसिस पे आदमी जो है वो जहन्नम में जाएगा या नहीं जाएगा जो अल्लाह को नहीं मानता। आइडियोलॉजी के बेसिक पे जहन्नम हाँ, पे जाएगा, मतलब कोई नहीं कोई जीसस की, कोई जीसस की वर्शिप कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई किसी और को खुदा मान रहा है, इस बेसिस पे जहन्नम जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए भाई जहां आप जो है ना मैं जिस वे से कुरान को समझाऊं उसकी उसका जवाब दे रहा हूं। आप लोग सर मैं एक सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। अच्छा जा सकता है ना, तो फिर ये आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट कहां से हुई, ये रिस्पेक्ट और ये कहां से सही हो गया कि आप कोई भी आइडियोलॉजी को मान सकते हैं जब जाना जहन्नम में और अल्लाह एक्सेप्ट करेगा सिर्फ इस्लाम को। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल दीन है वो इस्लाम है। देखो जितने भी मजहब हैं वो सब अल्लाह अल्लाह कहने का मतलब आप जिसको गॉड कहते हैं या जिसको कोई भगवान कहता है या हम अल्लाह कहते हैं या कोई किसी भी नाम से, उस ऊपर ऊपर वाला तो एक ही है, चाहे हम अल्लाह कहते हैं आप अगर हिंदू नहीं नहीं तो भाई भाई वो एक ही है नहीं है। अभी मिसाल के तौर पे एक मजहब सब अगर अगर सब खुदा को मानने वाले जो खुदाओं को मान रहे हैं वो सब एक ही है तो आप जीसस को खुदा मानते हैं। देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ कि सारे मजहब सर आप जीसस को खुदा मानते हैं क्या। सुनिए ना मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसी में जवाब आ जाएगा बिल्कुल नहीं। क्या आप पहले बोलिए जीसस को खुदा मानते हैं। देखिए एक ईसाई मान सकता है, एक मुसलमान तो नहीं मान सकता। आप जीसस को खुदा मानते हैं। नहीं मानते भाई, नहीं मानते। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे लोग जिसको खुदा मान रहे हैं वो उसको आप खुदा नहीं मानते। अब वो किस वे से खुदा मान रहे हैं उनकी समझ है भाई। कोई भी बेसिस पे मान रहे हैं लेकिन बात तो ये पक्की हो गई ना, जो बेसिक आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है कि आप उसको अल्लाह पुकारो, भगवान पुकारो या जिस तरीके से लोग उनको पुकार रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही है। तो इस हिसाब से जीसस को खुदा मानो। जीसस को ईसाई खुदा नहीं मानते, वो खुदा के बेटा मानते। किसने कहा खुदा नहीं मानते? खुदा नहीं मानते। देखा अभी किस साले ने, किस हरामी ने कहा है, किस हरामी ने कहा खुदा नहीं मानते, किसने कहा है? क्यों झूठ बोलते हो? अपने पास से अपना दीन तो अपने पास से बदल दिया, दूसरों का भी बदल दो अपने पास से। हद हो गई यार साहिल, यार उसने अपने बाप से दुआ की है, अपने बाप से कलाम किया है, उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? बाप तो बेटा, बेटा अपने बाप से बोल रहा है, यानी कि यही बाप तो खुदा है ना। तो वो तो अच्छा एक बात सुनो, आपका बाप इंसान है भाई? किसी के बाप भी इंसान है जब हम इंसान है। नहीं सर, किसी का बाप इंसान नहीं होता, बकरी का बाप बकरी होता है, कुत्ते का बाप कुत्ता होता है। वो तो इंसान थोड़ी है। आपका बाप, आपका बाप इंसान है? इंसान थोड़ी है सर, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कुत्ते हैं इंसान है बकरी है ये भी बता दीजिए पहले। अरे भैया आपसे बात कर रहा हूँ तो इंसान ही होऊंगा ना, कुत्ता थोड़ी। बेहतरीन, तो आपका आपके जो वालिद साहब हैं, आपका जो बाप है वो इंसान है? बिल्कुल है। ओके, तो
جو جو جس کا باپ خدا ہے وہ خود کیا ہوگا؟ جس کا باپ خدا ہے, اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس کا باپ خدا ہے وہ بھی خدا ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ پھر اس حساب سے پھر آپ کا باپ انسان ہے اور آپ اس کے بیٹے, تو پھر آپ انسان نہیں ہوئے. ارے آپ جانور ہیں, خدا کے نبی تھے, آپ خدا کے نبی تھے. نہیں دیکھیے, یہ ہنسنے ہنسانے والی باتیں تو صحیح ہے, لیکن اب سیریسلی جو ہے نا, یار بات سننا یار, دیکھ بات سننا, سوال کیا نا آپ سے, جس وقت جیسس پیدا ہوئے اس وقت خدا کون تھا بتائیے, تو پھر وہ جب بچے تھے تو خدا کون تھا؟ ارے یار بات سنو, بات سنو پوری دنیا کو وہی چلا رہا تھا, کیا وہ اپنا انسٹنس نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا خدا تمہارا لمیٹڈ ہے؟ اللہ لمیٹڈ ہے؟ اللہ میں لمیٹیشن ہے؟ پیدا ہونے کی ضرورت, تو خدا کو پیدا ہو کے کروس پہ چڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر؟ نہیں ضرورت آپ ڈیفائن نہیں نہ کرو گے, ہو آر یو ٹو سے ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ انسانوں کو بنانے کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ انسانوں کو کیوں بنایا تھا؟ ایسے ہی معاف, وہ ایسے ہی انسانوں کو, نہیں معاف معاف اس میں کیا ہے تو انسانوں کو کیوں بنایا پھر؟ نہیں بنانا چاہیے تھا انسانوں کو بھی, ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ کیا ضرورت تھی بتاؤ ذرا, اس سوال کا جواب دو. ہر ایک چیز کی جب ضرورت ہے تو یہ ہے, نہیں ضرورت نہیں ہے خدا نبی کو اپنا. پرویز صاحب اس سوال کا جواب دے دو, آج تک کسی بھی ترم خان مسلمان نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا ہے ابھی تک کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی, کیونکہ آپ نے سوال کیا نا کہ اللہ کو کیا ضرورت, خدا کو کیا ضرورت تھی اپنا بیٹا وہ کرنے کی, یا کیا کہتے وہ اس پہ سولی پہ چڑھنے کی, اسی پہ میرا سوال ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان بنانے کی؟ اللہ کو اس لیے ضرورت تھی انسان بنانے کی تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. مطلب ضرورت مند تھا آپ کا اللہ, وہ اس کی عبادت ضرورت مند تھا نا عبادت کروانے کا. او سائل صاحب یہ تو کمال ہو گیا, شارٹ بننی چاہیے, ضرورت مند تھا, شارٹ بناؤ بھائی, شارٹ بناؤ جی, اللہ ضرورت مند ہے, اللہ ضرورت مند ہے, اس کو ضرورت تھی انسانوں کی عبادت کی. ضرورت مند خدا ان کا اللہ ضرورت مند ہے اور محتاج ہے آپ لوگ صحیح اپنی عبادت کروانے کے لیے. لوگ آتے ہیں کچھ میننگ فل بات کرنے کے لیے, لیکن آپ تو بالکل میننگ فل, آپ نے جو جواب دیا اسی پہ ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں. آپ نے خود کہا, میں نے پوچھا کیا ضرورت تھی, آپ نے کہا اس کو عبادت کروانی تھی, آپ نے ضرورت اللہ کی ثابت کر دی, ضرورت مند خدا ہے آپ کا. شروع ہوئی تھی آپ نے, آپ نے کہا بات نہیں, آپ ابھی پھنس گئے. جو سوال آپ ایڈم صاحب پہ ڈالنے, سنو پرویز, جو سوال آپ ایڈم صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اس سیم سوال میں آپ خود پھنس چکے ہو. آپ ایک ضرورت مند خدا کی عبادت کرتے ہیں پیارے بھائی, محتاج خدا کی عبادت کر رہے ہیں آپ. خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جو ہے نا انسان اس کی عبادت کریں, اور exactly وہ اس کی ضرورت تھی نا اللہ کی, مطلب دو راستہ بنا دیا ہے, جس راستے پہ چلنا چاہیں وہ چلیں, تو وہ اس کی ضرورت تھی نا اللہ کی, نظام قائم ہے بھائی, وہ اللہ کی ضرورت تھی نا, ضرورت نہیں اس کی خواہش تھی. ابھی آپ نے پھر اپنا سٹانس چینج کر لیا, پہلے کہا ضرورت تھی, اب کہہ چاہ رہا ہے خواہش تھی. تو اللہ ایموشنز میں چلتا ہے, اس کی خواہش تھی, خواہش مند اللہ ہے, اللہ 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 جو ہے وہ ایموشنز میں چلتا ہے, اس کی ایموشنز پوری کرنی ہے, اس کی ٹھڑک پوری کرنی ہے عبادت کی, اسے لوگوں سے عبادت کروا کے مزہ آتا ہے, خواہش فیلنگز اس کی اچھی لگتی ہے, خواہش اس کی پوری ہوتی ہے, خواہش خواہش مند اللہ. آپ کا وجود سنیے نا, آپ کا وجود ہی خود اللہ کا ایک, اللہ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ سب آپ کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں, آپ کے اندر ہمارے اندر بھی پائی جا سکتی ہے. پرفیکٹ, اگر میرے اندر اللہ کی صفات پائی جاتی ہے اور میں اس صفات پہ چلوں, اگر میں اس صفت پہ چلوں جو میرے اندر پائی جاتی ہے جو اللہ کے اندر بھی ہے, تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ بالکل ملے گی. کنفرم ہے. اوکے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کی ایک صفت ہے کہ وہ متکبر ہے, لیکن اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور جنت جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے متکبر ہونا, اور جنت میں تو مجھے بھیج نہیں رہا, اور میں اللہ کی صفت پہ پورا اتر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا کہ اللہ کی ہر صفت آپ میں بھی ہے. اب مجھے بتائیں میں تکبر کروں تو میں جہنم میں کیوں جاؤں گا؟
तकबर एक लिमिट तक होनी चाहिए, एक लिमिट तक होनी चाहिए, एक लिमिट से ऊपर जाए यार साहिल बन जाती है। साहिल अल्लाह ने लिमिट नहीं बताई थी यार, इसलिए यार मैं कह रहा हूँ ये बंदा इतना जाहिल और बगैरत शख्स है सर, इसे क्या बात है? ये चालाक डिसेप्टिव है, मक्कार है। अल्लाह कुरान में साहिल क्लियरली कहता है कि तकबर करने वाला जन्नत की बो भी नहीं सूंघ सकता है, कुरान में कहता है अल्लाह। और ये कह रहा है अल्लाह कुरान में कहता है, सुनिए तो आप लोगों ने यार इसको साहिल साहब इसको निकालो यार, जाहिल जाहिल नहीं पूरा बगैरत से इस्लाम को समझा। जा भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू यहाँ पे ऑलरेडी जो है तू और तेरा अल्लाह जो है ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको एक्सपोज हो चुके हैं। तुम जो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हो ना इस बात से यार, आप अल्लाह बोल लो, खुदा बोल लो, भगवान बोल लो, ओम बोल लो, सब एक ही है, ये तुम लोगों की धोखेबाजी है। जब तुमसे जब उसके बारे में सवाल किया जाता है ना, फिर एक एक अंदर की चीज तुम्हारे अंदर नहीं 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 नहीं, नहीं जीसस खुदा नहीं है, जीसस तो प्रॉफिट है, नहीं 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 श्री कृष्णा खुदा नहीं है, वो तो ये है, नहीं 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 श्री राम खुदा नहीं है, ये तुम्हारी मक्कारी जो तुम लोगों को ऊपर ऊपर से दिखाते हो ना, ये तुम्हारी मक्कारी होती है, धोखेबाजी होती है, तुम अपनी बातों पे टिकते नहीं हो, कायम नहीं होते हो। अभी और अब सॉरी जी एडम साहब आप बोलो ना, नया तरीके का जो इस्लाम है वो जाके जाओ, जाके वो जो मुफ्ती और मौलाना बैठे हैं ना उनको जाके सिखाओ, हमारे पास मत आओ। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे बंदे को वहीं पे जाना चाहिए, इधर आने की जरूरत ही नहीं है। और सर मुतकब्बिर की अगर बात करें तो अल्लाह कहता है मैं मुतकब्बिरों के साथ मैं प्यार ही नहीं करता और वो जन्नत भी नहीं जा सकते। कुरान की आयतें यार जाके पढ़ लो, मैंने इतनी दफा दिखाई हुई है। ये कह रहा है कि अल्लाह की सिफत आप में है और आप उसको अगर फॉलो करो तो जन्नत जाओगे, अल्लाह तो खुद कहता है कि मैंने जन्नत नहीं भेजना मुतकब्बिरों को। तो यानी इट इज सच अ डिसेप्टिव, नहीं थोड़ा बहुत वो तो ठीक है, कहां लिखा थोड़ा बहुत वो तो ठीक है, ये कहां से थोड़ा बहुत कहां से लाया भाई लिमिट, ये कौन लिमिट कौन सेट करेगा? And then again, यानी ऐसी deception यार, which is so stupid कि अगर हम उसमें भी जाएं ना थोड़ा बहुत, अच्छा जी थोड़ा बहुत कितना, कितने लेवल तक का, कौन से लेवल तक का, फिर वहां पे आ जाएगा, फिर गेम यानी जब जिस बंदे ने अपनी मर्जी से दीन की इंटरप्रिटेशन करनी है, who the hell is he to do any interpretation quite frankly। और फिर यार इसी वजह से यार मैं तो आज ही आ जाता हूँ इन लोगों से यार, ये